सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सब। मैं प्रणव और आप देख रहे हो रिटेक एंड लॉक्स चैनल। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का बिल्कुल एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास एनवीडिया जीटेक्स फोर्स या फिर एएमडी रिडाइन जैसे बढ़िया बढ़िया अफोर्डेबल ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो आप कैसे अपने इंटेल के सिस्टम इनफिटेड ग्राफिक्स कार्ड में अपने गेम को 60 FPS, मिनिमम 60 FPS पे चला सकते हो। यस गाइस, मिनिमम 60 FPS होने वाला है। मतलब आपका तो गेम है या तो 60 FPS चलेगा या फिर उससे बड़े जो फ्रेम रेट है उस पर चलेगा। और हाँ गाइस, जो भी है ये सब हमारे जो है पीसी के सेटअप के अंदर में ही होने वाला है। इसमें हमको अंदर बाहर से कुछ भी ज़्यादा मतलब कौन फंक्शन नहीं करना है। और हमें किसी भी तरीके कोई भी ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो जीटेक्स एनफोर्स या फिर एनवीडिया का जो भी ग्राफिक्स कार्ड आता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें एएमडी रिडाइन चाहिए। और हाँ गाइस, एक बात और, मेरे चैनल पे अब जो वीडियोस पड़ेंगी उसमें होने वाला रैंडम शाउट आउट, तो अगर आप लोगों को रैंडम शाउट आउट में करना है पार्टिसिपेट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाओ, @helishoutout वहाँ पे कमेंट कर दो और आप जो रैंडम कमेंट सेलेक्ट होगा उसको मैं अपने अगले वीडियो में प्रमोट करूंगा। ये है शाउट आउट का जो मेथड है वो ये है, तो जल्दी से आओ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, चैनल सब्सक्राइब करो सबसे पहले। और हाँ गाइस, हमारे 200 पहुंच चुके हैं, अब 300 की तरफ हमारा एम बढ़ चुका है। सो विदाउट आवर वेस्टिंग आवर टाइम, शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर में। और अभी हमें क्या करना है, सिंपली पहले जरा एक दो बार रिफ्रेश मार देता हूँ, प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज में अभी देखो इंटेल के HD ग्राफिक्स है। कोई भी तरीके का आपको यहाँ पे जो है मैं कहूँ कि आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए, कोई आपको ग्राफिक ड्राइवर नहीं चाहिए, ठीक है, कोई एग्जॉस्टर नहीं चाहिए। अपने इंटेल के जो HD ग्राफिक्स हैं वो कब काम आएंगे, ठीक है, चलिए इनका भी काम करने वाले हैं। और जैसी मेरे पास सेटिंग्स हैं, आपको सेम टू सेम डिटो वही सेटिंग्स रख लेनी है, ठीक है। और सेटिंग सिर्फ और सिर्फ दो तीन जगह होंगी, डिस्प्ले, वीडियो और 3D में, ठीक है। तो अब पहले चलते हैं हम लोग डिस्प्ले के अंदर में, और डिस्प्ले के अंदर में चलते हैं, ठीक है। डिस्प्ले के अंदर में जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये बेसिक दिखा रहा है, ठीक है। जो बेसिक सेटिंग्स है वो ये होनी चाहिए कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो जैसा मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है बिल्कुल सेम टू सेम आपको उतना ही रखना है जितना ही शो हो रहा है, ठीक है। और आपको जो रिफ्रेश रेट है वो 16 जो है पिक्सल हर्ट्स पे रखना है, ठीक है, 60 पिक्सल हर्ट्स पे रखना है, जो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। इसी से आप 60 FPS बनती है, ठीक है। और रोटेशन आपको इतना रखना है, वरना फिर आपका जो स्क्रीन है वो घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोई यहाँ पे सेटिंग चेंज नहीं कर रही है, इसलिए मेरे को शो नहीं कर रहा। आप लोग एक बात ध्यान रखना, जब आप लोग सेटिंग्स चेंज करोगे तो नीचे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलना गाइस, अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप लोग इस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपको सेटिंग्स अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद एडवांस में से आप खास कुछ करना नहीं, डिस्प्ले एनी ऑफ द एडवांस सेटिंग, मतलब एडवांस सेटिंग आपके डिस्प्ले में आएंगी नहीं। उसके बाद कलर सेटिंग्स में आ जाना है आपको, कलर सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको कलर डेप्थ जो है वो 32 पे रख देनी है, जो भी है आपकी कलर डेट आपको 32 बिट पे रखनी है, ठीक है। और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप अपनी जो है चॉइस के ऊपर रख सकते हो। फिर आपको मल्टीपल डिस्प्ले है, मल्टीपल डिस्प्ले अगर आप लोग करते हो तो आप लोग कर सकते हो, बिकॉज मैं मल्टीपल डिस्प्ले नहीं करता हूं तो मैं मल्टीपल डिस्प्ले यहां पे नहीं रिकमेंड करूंगा। और ऑडियो सेटिंग्स में आने के बाद ऑडियो सेटिंग्स नहीं है, कस्टम रेजोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब जाते हैं होम में, और अगर आपको 3D में जाना है क्योंकि आपको जो गेम है वो मोस्टली 3D होते हैं, तो आपको 3D में जाना है। और 3D में जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑप्शन मोड इनेबल पे क्लिक कर देना है, वरना आपका जो गेम है वो वैसे ही स्टार्ट करके चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो मल्टी सैम्पल एंटी अलाइजिंग है उसको यूज एप्लीकेशन सेटिंग्स पे कर देना है। अगर आप टर्न ऑफ कर दोगे तो आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग मारेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैग मारेगा आप लोग टर्न ऑफ कर दोगे। फिर आपको ना कंजर्वेटिव मोरोफिकल एंटी अलाइजिंग में इसको आपको टर्न ऑफ ही रखना है, क्योंकि अगर आप ये कर दोगे तो भी आपका गेम लैग मारेगा, क्योंकि दोनों जो एंटी अलाइजिंग है वो एक साथ कभी भी नहीं चलानी चाहिए। और गाइस, सबसे जो मेन सबसे लास्ट चीज जो है वो ये जर्नल सेटिंग्स है। आप यहाँ परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दें, क्योंकि अगर आप बैलेंस मोड पे करोगे तो आपका गेम की जो मतलब मैं कहूँ क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, और क्वालिटी पे करोगे तो आपका जो PC है वो लैग मारेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स थी जिससे कि आपका जो गेम है वो 60 FPS चल सकता है विदाउट लैगिंग, और आपको किसी भी तरीके की कोई भी ग्राफिक्स ड्राइवर की जरूरत नहीं है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अगर आपको शाउट आउट में पार्टिसिपेट करना है तो आप अपने चैनल वाली ID से या तो अपने चैनल का नाम नीचे डाल दो या फिर अपने चैनल की ID से कमेंट कर दो @helishoutout। और होप आपको वीडियो पसंद आया। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।